नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के सपूतों ने कमाल कर दिया, पूरी दुनिया हैरान रह गई। पाकिस्तान ने एंटी रनवे बम तैयार करके भारत समेत अमेरिका और इसराइल के परखचे उड़ा दिए हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान ने बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया है। पाक फौज के सपूतों ने यह बेमिसाल कामयाबी कैसे हासिल की और इन टेक्नोलॉजीज की क्या क्या खसूसियात है, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसलिए देखने और सुनने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको पाकिस्तान की दिफाई सनत के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। तो आइए चलकर पाक फौज के कारनामों पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन-ए-गिरामी, दिफाई माहिरीन कहते हैं कि पाक फौज के पास तीन ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में जानना पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई जरूरी है, जबकि इन हथियारों की तफसील से भारत को भी आगाह किया जाना चाहिए, ताकि भारत किसी भी अपनी घिनौनी साजिश से पहले अपने अंजाम को भी जहन में रख सके। ये तीनों हथियार ऐसे हैं जो बैक वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक फौज इस्तेमाल कर रही हैं। इन तीनों हथियारों में राद क्रूज मिसाइल, पाकिस्तानी साख्ता ब्राक ड्रोन्स और हाफर नामी एंटी रनवे बम शामिल है। राद क्रूज मिसाइल और ब्राक ड्रोन का नाम तो शायद आपने पहले सुना ही हो, मगर इन दोनों हथियारों को अपग्रेड करने के बाद किस कदर खतरनाक बना दिया गया है वो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। इसकी तफसील हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पहला वेपन सिस्टम राद एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, और इस मिसाइल को बनाने का एजाज पाकिस्तान के एरो कॉम्प्लेक्स सेंटर को हासिल है। ये क्रूज मिसाइल ना सिर्फ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस है, बल्कि अपने टारगेट को पिन प्वाइंट एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकता है। इसकी दूसरी खास बात इसके अंदर मौजूद अप डाउन जिगजैग सलाहियत है, यानी ये सतह जमीन के मुताबिक खुदकार निजाम के तहत अपनी परवाज को तब्दील करते हुए अपने हदफ तक पहुंच जाता है। इस सलाहियत की वजह से इसे रेडार से निशाना बनाना अगर नामुमकिन नहीं तो दुश्मन के लिए मुश्किल तरीन और परेशान कुन काम जरूर है। इस क्रूज मिसाइल में टर्बो फैन इंजन नस्ब है, जो इसे 0.8 मैक या 987 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फ्राहम करता है। ये क्रूज मिसाइल 350 किलोमीटर की रेंज तक अपने हदफ को निशाना बना सकता है, और इस मिसाइल की अपग्रेडेशन के बाद इसे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में भी फिट कर दिया गया है। इस कारनामे पर पूरी दुनिया ने पाक फौज की काबिलियतों को सराहा, सिवाय इसराइल और भारत के। राद नामी क्रूज मिसाइल को 450 किलोग्राम के एटमी और रिवायती वार हेड से लेस किया जा सकता है, और ये खसूसियत दुनिया के चंद ही ममालिक के पास मौजूद है। ये मिसाइल पाक फिजाइया को जमीन और समंदरी हमलों के साथ साथ हवाई एटमी हमलों की सलाहियत भी अता करता है। इसके अब तक मुख्तलिफ अपडेट्स के साथ 6 टेस्ट हो चुके हैं, जो सबके सब कामयाब रहे। सबसे पहला टेस्ट 2007 में, जबकि आखिरी टेस्ट 2016 में किया गया। इस क्रूज मिसाइल को इससे पहले मेराज तैयारों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन-ए-गिरामी, इसके बाद अगर पाकिस्तानी नए ब्राक ड्रोन की बात करें तो ये भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में ही तैयार किया गया है। इस ड्रोन को बुनियादी तौर पर ISPR यानी इंटेलिजेंस सर्विलेंस जैसे मकासद के लिए बनाया गया था। तहम मार्च 2015 में इससे लेजर गाइडेड मिसाइल ब्राक फायर किया गया, जिसने कामयाबी से अपने टारगेट्स को हिट किया। ब्राक ड्रोन को पाकिस्तान आर्मी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में इब्तदाई दिनों में सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किया, जबकि बाद में इसी ड्रोन को सितंबर 2015 में बाकायदा तौर पर एक कॉम्बैट यानी जंगी ड्रोन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया। शवाल वैली में जारी ऑपरेशन के दौरान इसकी खिदमात हासिल की गई। इस ड्रोन को नवंबर 2013 में पाकिस्तान आर्मी में शामिल किया गया था। ये ड्रोन 1000 किलोग्राम वजनी बारूदी मवाद कैरी करने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 215 किलोमीटर पर आर है, जबकि ये 24,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है। इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 1000 किलोमीटर है। इस पर नस्ब किया जाने वाला बर्क नामी लेजर गाइडेड मिसाइल चाइनीज मेड AR-1 के हमपला है, जो इस वक्त चाइनीज ड्रोन में नस्ब है। ये मिसाइल 45 किलोग्राम वजन रखता है और 5 से लेकर 8 किलोमीटर के फासले पर अपने हदफ को निशाना बनाता है। इस वक्त इस ड्रोन को पाकिस्तान एयरफोर्स अपने दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। ब्राक ड्रोन बनाते ही पाकिस्तान दुनिया का 5वां ऐसा मुल्क बन गया जिसके पास खुद साख्ता लड़ाका ड्रोन्स मौजूद है। प्यारे पाकिस्तानियों, अब बात करते हैं पाक फौज के उस कारनामे की जिस पर पूरा आलम हैरानो परेशान है। इसे दुश्मन की मौत कहा जाए तो गलत ना होगा,
और हैरत अंगेज तौर पर दुश्मन खुद इसे अपने लिए खतरा तसव्वुर कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के एंटी रनवे बम की, जिसे हाफर के नाम से भी जाना जाता है। ये बम 200 किलोग्राम वजनी है और इसमें बुनियादी तौर पर दो वार हेड नष्ट किए जाते हैं, जिसमें पहला वार हेड 100 किलोग्राम पर मुश्तमिल होता है, जबकि दूसरा 20 से 40 किलोग्राम तक हो सकता है। इसमें लातादाद चार फ्यूज लगे होते हैं जो बड़ी तबाही का सबब बनते हैं। इन फ्यूजेस का मकसद इस बम की डेटोनेशन को प्लान करना है। ये बम 40 सेंटीमीटर या 16 इंच की कंक्रीट में भी आसानी से घुस सकता है। इसको मेराज तैयारों के साथ साथ JF-17 थंडर से भी फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की लंबाई 491.4 मीटर जबकि इसका डायामीटर 223 मिलीमीटर है। ये दुश्मन की एयरफील्ड्स और समाल बंकर्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एंटी रनवे बम को फ्रेंच मेड द रंडल मिसाइल के हमपल्ला तसव्वुर किया जाता है। याद रहे कि फ्रेंच मेड रंडल मिसाइल भी पाकिस्तान एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल है और इसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने एंटी रनवे नामी खतरनाक मिसाइल तैयार कर लिया है, जिस पर फ्रांस, अमेरिका, भारत और इसराइल शदीद खौफ में मुब्तिला है, क्योंकि साइज में छोटा होने और हदफ को दुरुस्ती से निशाना बनाने की सलाहियतों की वजह से यह मिसाइल मैदान जंग में दुश्मन को बर्बाद कर सकता है और इसी वजह से भारत पर लर्जा तारी है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि भारत 12 मरतबा पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसे बयानात जारी कर चुका है कि जिनसे अंदाजा होता है कि भारत पाकिस्तान से किस कदर खौफ खाता है। भारतीय फौज और हुक्काम खुद तस्लीम करते हैं कि हमें पाकिस्तान के तैयारों और उनमें लगे हुए मिसाइलों से शदीद खतरा है। पाकिस्तान ने जब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लॉन्च किया है, उस वक्त से भारतीय फौज इन खदशात का इजहार कर रही है कि पाकिस्तान से जंग छेड़ने की सूरत में भारत को जबरदस्त शिकस्त का सामना होगा। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने मेराज 5 नामी तैयारों को भी अपग्रेड कर लिया है। हाल ही में मेराज तैयारे को नए एवियोनिक्स से लेस किया गया है। ये त्यारा सिर्फ एक मिसाइल ही कैरी कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 70 किलोमीटर है और इसका वारहेड 165 किलोग्राम तक का है। ये मिसाइल 1148 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सतह समंदर से चंद मीटर बुलंदी पर परवाज कर सकता है। यही इस मिसाइल की खूबी है जिसको दुश्मन अपने लिए खतरा समझता है। दूसरा त्यारा जिसको पाकिस्तान ने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मुख्तस कर रखा है, वो है JF-17 थंडर। ये एक ऐसा त्यारा है जो लॉन्ग रेंज सब सोनिक मिसाइलों के अलावा सुपर सोनिक मिसाइलों को भी फायर कर सकता है। अगर JF-17 थंडर त्यारे के जदीद तरीन मिसाइलों की बात करें तो इनमें C-82AK और एयरक्राफ्ट कैरियर कलर के नाम से जाना जाने वाला CM-400AKG मिसाइल नस्ब है। ये दोनों ही क्रूज में है और चीन के तैयार करदा है। यही वजह है कि भारत पाकिस्तान से पंगा लेने से पहले हजार बार सोचता है, और अगर वो कोई ऐसी गलती कर बैठे तो अंजाम 27 फरवरी वाला सामने आता है।